हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज सोना वर्मा। मैं आज आपके सामने फिर से एक बार वीडियो लाई हूँ सिर्फ एक टूल्स की वजह से, जिसके आपकी बहुत ज्यादा जरूरत होगी। स्लाइड टूल मेरा आपका रह गया था, तो वही बताऊंगी कि किसी भी पिक्चर को आपको पिक्चर्स के अंदर पिक्चर हाइड करनी हो कि जो शो ना करे, तो आपको बताऊंगी कैसे होती है। देखिए, सबसे पहले इसको देखने के लिए आपको मेरी एक बार चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। ऐसे छोटे छोटे टूल्स में ही आपको मैं बताती रहूंगी। फोटोशॉप ओपन करना, ये बहुत ही अच्छा टूल है कि किसी भी पिक्चर के अंदर हम बहुत सारी फोटो भी हाइड कर सकते हैं। सबसे पहले हम एक इमेज ले लेंगे कि हमें जिसके अंदर हमें पिक्चर हाइड करनी है। जैसे मैंने ये पिक्चर ले ली है, अब मुझे इसके अंदर से इसके फेस पर एक पिक्चर हाइड करनी है। तो सबसे पहले हमें एक स्लाइस टूल लेंगे, यह इसकी आईज पर एक पिक्चर छुपानी है यहां पर। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें जो भी पिक्चर इस पे हाइड करनी है वो पिक्चर लेंगे। जैसे मुझे ये ही पिक्चर इसके अंदर छुपानी है, इसकी आईज के अंदर। तो कंट्रोल या फिर लेफ्ट क्लिक करके, राइट क्लिक करना होगा, ओपन विद इंटरनेट एक्सप्लोरर पर हम खोलेंगे एंड इसके नेम को हमें कॉपी करना होगा। कंट्रोल सी एंड देन कट कट एंड इस पर राइट क्लिक करके एडिट स्लाइस टूल पर कंट्रोल वी कर देंगे। यहां पर यूआरएल में पेस्ट कर देंगे। ओके एंड हम इसे अब सेव करेंगे, सेव फॉर वेब पर सेव। मैं डेस्कटॉप पर सेव कर लेती हूं जिससे फटाफट से दिख जाए। सेव, देखिए अब मैंने ये वाली पिक्चर ली थी, डबल क्लिक। अब ये आपको कहीं भी पिक पर दिख नहीं रही है वो पिक्चर, लेकिन हम कहीं भी क्लिक कर रहे हैं कुछ नहीं आ रहा, लेकिन अगर हमने इसकी वही आईज पर क्लिक किया तो वो पिक्चर निकल कर आ जाएगी। देखिए ओनली इसकी आईज में वो पिक्चर हाइड हो चुकी है। स्लाइस टूल का मतलब यही है। तो दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा ये जानकर कि हम पिक्चर के अंदर पिक्चर कैसे छुपा सकते हैं। तो अगर अच्छा लगा हो तो जरूर दोस्तों लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर माई वीडियो वॉच।